अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पकौड़े। मौसम बहुत सुहाना हुआ था तो मैंने कहा चलें पकौड़े बनाते हैं। तो ये देखें, मैंने आलू प्याज धनिया और ये मसालों में मैंने डाला है नमक मिर्च हल्दी अजवाइन जीरा और कुटी और धनिया साबुत धनिया। तो ये सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे भून लूँगी। मैं इतना पानी नहीं डालूंगी क्योंकि प्याज में जो पानी है वो पानी छोड़ता है प्याज, इसलिए मैं इसे सख्त सही भून के रख दूँगी। और मैं आलू के भी पकौड़े बना रही हूँ, गोल वाले आलू के, उसका भी बेसन बनाऊँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं बॉल में निकाल दूँगी। तो अब मैं दूसरा बेसन भी इसमें मैंने बेसन में डाला है अजवाइन जीरा नमक और कुटी हुई मिर्ची और ज़रा थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसे मैं भून लिया। इसका मैंने गोल सा बना लिया, मतलब लिक्विड बना लिया। तो अब मैंने ऑयल गरम कर लिया, ऑयल अभी सही से गरम नहीं हुआ तो ये मैंने डाल दिए थोड़े थोड़े आलू के बना रही हूँ पहले मैं। तो एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर साइड चेंज करेंगे इसकी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये पकौड़े हमारे बन गए हैं, तो इन्हें आप निकाल लेंगे। तो ये मैं निकाल लूँगी। अब ये मैं दूसरे प्याज वाले पकौड़े बना रही हूँ, प्याज और आलू के। आलू के मैंने बना लिए थे तो ये देखिए सारे में डाल दिए हैं। अब इनमें भी कलर अच्छा सा आ जाएगा तो इनके साइड चेंज करेंगे। ये देखिए एक साइड से कलर आ गया तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। गोल्डन कलर तो अब भी इसकी साइड से भी आ जाएगा तो फिर इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए साइड चेंज कर दी है। ये देखिए पकौड़े हमारे बन गया, दोनों साइड से कलर आ गया तो अब इसे मैं भी निकाल लेंगे। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें, उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।